नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करूंगा आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 कारों की जो बीते महीने सबसे ज्यादा बिकी है। तो ये जो 10 कारें हैं, इनकी लिस्ट में कुछ तीन चार ऐसे नाम हैं जो पीछे छूट गए, यानी टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए। जैसे मैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बात करें, ऑल्टो की बात करें, हुंडई वेन्यू की बात करें, तो ये टॉप 10 में जगह नहीं बनाए। इवन मारुति सुजुकी की जो वैन है इको, वो भी इस बार टॉप 10 में नहीं है। वहीं दो कारों ने सबसे ज्यादा चौंकाया, वो है टाटा की पंच और साथ ही साथ महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं और ओवरऑल जो टॉप बिकने वाली 10 कारें हैं उनकी बात करते हैं। तो नंबर वन की बात करें तो नंबर वन पे रही है मारुति सुजुकी वैगनार। वैगनार हमेशा की तरह ऑलमोस्ट नंबर वन पे ही रहती है, लेकिन इस बार भी इसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है और 19,412 यूनिट बिकी है, 19,412 यूनिट है वो बिकी है बीते महीने। इसी तरह से नंबर दो पे, जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे, टाटा पंच रही है। चौंकाने वाला नाम है क्योंकि आमतौर पर 5 के आसपास रहती है, हालांकि टाटा पंच हमेशा से टॉप 10 में जगह बनाती आई है, लेकिन नंबर दो पे फिनिश करना टाटा पंच के लिए कमाल का परफॉर्मेंस है। 18,438 यूनिट टाटा पंच की बिकी है बीते महीने। वहीं नंबर तीन की बात करें तो नंबर तीन पर मारुति सुजुकी डिजायर रही है। डिजायर की 15,837 यूनिट बिकी है। साथियों आपको बता दें कि इस सूची में कुल मिला के 7 कारें मारुति सुजुकी की है, जबकि 2 टाटा और 1 हुंडई की कार शामिल है। यदि 5वें स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी की अर्टिगा जो 7 सीटर कार है वो 5वें स्थान पर रही है, 15,519 यूनिट अर्टिगा की बिकी है। जबकि 6ठे स्थान पर मारुति की ही बलेनो रही है। बलेनो की बीते महीने 15,517 यूनिट बिकी है, यानी 2 यूनिट कम बिकी है अर्टिगा से। अर्टिगा की 15,519 यूनिट बिकी थी। इसी तरह से हम आगे बढ़े और 7वें स्थान की बात करें तो हुंडई की एकमात्र जो मिड साइज एसयूवी क्रेटा है वो इस टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हुई है। हुंडई क्रेटा की 15,276 यूनिट बिकी है, 15,276 यूनिट है वो बीते महीने बिकी है क्रेटा की। और इसके साथ ही 8वें स्थान की बात करें तो चौंकाने वाला नाम ही कहेंगे, क्योंकि हालांकि पिछले कई महीने से देखें तो ये नाम लगभग अब इसने चौंकाना बंद कर दिया है, क्योंकि महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो है, ये चाहे क्लासिक हो चाहे स्कॉर्पियो एन, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है लोगों में, तो स्कॉर्पियो एन के बल पर स्कॉर्पियो ने भी टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हुई है। 15,051 यूनिट स्कॉर्पियो की बिकी है, जिसमें क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों शामिल है, और ये ओवरऑल 8वीं सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है बीते महीने। 9वें स्थान पर एक बार फिर से टाटा ने कब्जा किया है। टाटा की जो नेक्सन है सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी वो रही है 9वें स्थान पर, 14,395 यूनिट टाटा नेक्सन की बिकी है, 14,395 यूनिट बिकी है। टाटा नेक्सन और टाटा पंच कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आने वाले समय में इनकी बिक्री और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से 10वें स्थान की बात करें तो नवी नवेली मारुति सुजुकी फ्रॉक्स है वो 10वें स्थान पर रही है। फ्रॉक्स की कुल मिला के 14,168 यूनिट बिकी है, 14,168 यूनिट बिकी है बीते महीने फरवरी 2024 में। अब जो महीना चल रहा है यानी मार्च 2024 की बात करें तो कुछ ही दिन बाकी रहे हैं, उसके बाद इसकी भी जो सूची है वो हमारे सामने आएगी। तो आपको क्या लगता है, इस बार टाटा पंच बिक्री के मामले में नंबर वन पे रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? क्योंकि जिस प्रकार का टाटा पंच का परफॉर्मेंस हो रहा है और वो लगातार आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय टाटा पंच का ऐसा मान सकते हैं। अपने विचार इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। साथ ही हम कारों से जुड़ी हुई छोटी छोटी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।